मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। यस, ही इज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। हिज नेम इज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज वी शेयर द सेम बर्थ डेट, दैट इज उनकी बर्थ डेट है 3 अप्रैल 1914 एंड मेरी बर्थ डेट है 3 अप्रैल 1999। अभी उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। So he was born in a Parsi family. Being Parsi, उनका नाम actual जो real name उनके mom dad ने रखा था वो था Cyrus Manekshaw. But उसी दौरान जब ही British हम पे rule करते थे और इनका जन्म हुआ था British India में, so तभी एक Cyrus नाम के एक आदमी को arrest किया था किसी चीज़ के लिए। और उनकी चाची को ऐसा लगा कि ये Cyrus जो नाम है वो उनके life में कुछ उनको problem दे सकता है। So she insisted to change his name from Cyrus to Sam, and then he continued his name as Sam Manekshaw or Sam Bahadur. अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो as his father was a doctor that time, he also wanted to become a doctor. But जब ही वो 15 साल के हुए थे तभी उन्होंने उनके डैड को बोला था कि मुझे लंदन जाना है और मुझे मेरी MBBS की प्रैक्टिस वहीं से चालू करनी है। इनफैक्ट मुझे मेरा MBBS करके फिर वहाँ पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो उनके डैड ने उनको बोला था कि तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो तो थोड़ी और साल रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हें लंदन भेजेंगे करके। बट उनसे रहा नहीं गया और बीइंग इन द टीनेज जब भी पेरेंट्स किसी भी चीज़ के लिए ना बोल देते हैं तो नॉर्मली बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। सेम वे वो भी ऑफेंड हुए थे और उस गुस्से की वजह से ही अप्लाइड इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी विच इज़ लोकेटेड इन देहरादून इन उत्तराखंड। एंड वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने आर्मी की एग्ज़ाम क्लियर तो कर दी। तभी वो IMA में गए तभी ही वॉज़ द फर्स्ट कैडेट। अभी वहाँ पर स्टूडेंट्स को कैडेट्स बोलते हैं। So he was the first cadet to ask for leaves, that is छुट्टियों के लिए in the whole history of Indian Military Academy. And उनके जो उस्ताद थे और उनके instructors थे उन्होंने grant तो कर दी छुट्टी। उनको छुट्टी मिलने के बाद कुछ उनके हाथ से भूल हुई थी और उसकी वजह से पहला drill भी मिला था। अभी drill is the other word for punishment in army या फिर any defense force. सो उनकी जो भूल हुई थी उसकी वजह से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द हॉलीडेज एज वेल एज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द पनिशमेंट। दिस इज ऑल अबाउट हिज एजुकेशन इन इंडियन मिलिट्री अकेडमी। आफ्टर विच ही स्टार्टेड सर्विंग फॉर द नेशन। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही आर्मी में ज्वाइन हुए थे तो ही वॉज फाइटिंग विथ ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश इंडियन आर्मी। एंड ये जब भी जापानीज लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे इन World War II तभी उनके पेट में 7 गोलियां लगी थी और ऐसी कुछ लगी थी कि ये तो बचेंगे नहीं। और उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उन्होंने अपना क्रॉस जो होता है मिलिट्री क्रॉस जो होता है दैट इज़ उस टाइम के लिए वो परमवीर चक्र जैसा हुआ करता था कि जो भी ऐसा वीर पराक्रमी पुरुष होता था या फिर आर्मी में जवान होता था उसको ये दिया जाता था फॉर हिज कामगिरी। एंड उनको ये मिला था उनके कमांडिंग ऑफिसर से बिकॉज़ उनको भी ऐसा लगा था कि ये शायद बच नहीं पाएगा।
बट जब ही डॉक्टर ने उनको चेकअप के लिए लिया तो ही वॉज एक्टिंग वेरी नॉर्मल, लाइक कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, मुझे जल्दी ठीक हो जाऊँगा. ही वॉज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि आई विल बी क्योर्ड एंड आई विल बी बैक ऑन माई लेग्स इन द आर्मी. सो ये था उनका करियर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी. अभी बढ़ते हैं 1971 के वॉर की तरफ. 1971 में जो वॉर हुआ था उसके पहले एक छोटी सी बात, 1969 में इतने साल सर्व करने के बाद ही वॉज एलिजिबल टू टेक हिज रिटायरमेंट, और तभी वो जनरल के पोजिशन पर पहुँच चुके थे. उन्होंने रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को, बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये देखते हुए कि इतना कामयाब आदमी अगर हमारे इंडियन आर्मी को छोड़ के चला जाएगा तो कुछ हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ने उनको प्रमोशन दे दिया. एंड फ्रॉम बीइंग ए जनरल इन आर्मी ही वॉज प्रमोटेड टू बिकम द फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया. ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन मिलिट्री. और 1971 का जो वॉर था, जो इंडो पाक वॉर था, उसमें विद इन 13 डेज उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी, ज़्यादा एम्यूनेशंस उनके पास था तभी के टाइम पे, उनको विद इन 13 डेज सरेंडर करवाया था. 1973 में जब भी फील्ड मार्शल के पोजीशन पे थे तभी एक इंटरव्यू लिया गया था और एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा था, और 1947 में आपको तो ऑप्शन मिला था बीइंग द पारसीज को, अगर किसी को नहीं पता है तो पारसीज को ऑप्शन मिला था कि इधर यू कैन जॉइन पाकिस्तान और यू कैन स्टे इन इंडिया. ये इंटरव्यू लिया था इस जर्नलिस्ट ने, तभी भी उनको यही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप 1947 के टाइम पे आपके बहुत सारे दोस्त चूज कर चुके थे, तो अगर आप भी पाकिस्तान चूज कर लेते तो क्या लगता है आपको 1971 का वॉर इंडिया जीत पाता. एंड ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन ही यूज टू टॉक, एंड इसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोग उनसे सहमत नहीं हुआ करते थे उनके डिसीजन से, उनके बिहेवियर से, और उन्होंने सीधे सीधे उस जर्नलिस्ट को विदाउट कीपिंग एनी डबल स्टैंडर्ड, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने उस जर्नलिस्ट को आंसर दे दिया कि अगर मैं 1947 के टाइम पे पाकिस्तान को चूज़ करता तो इंडिया 1971 कभी जीत नहीं पाता. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ हिम, का जो पेंशन था वो रोक दिया गया था फील्ड मार्शल को. फील्ड मार्शल इज़ द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडियन आर्मी. उनको जो गाड़ी दी जाती है उस पर 5 स्टार्स हमेशा होते हैं. उनको वो गाड़ी दी नहीं गई थी, उनको वो 5 स्टार्स दिए गए नहीं थे. ओनली सैम मानेकशॉ वॉज गिवन विद द यूनिफॉर्म एंड ही वॉज फोर्स्ड टू बी इन यूनिफॉर्म टिल हिज डेथ. अभी ये सिलसिला कुछ ऐसा चला कि जब भी APJ अब्दुल कलाम अपनी चेयर पे आए एंड व्हेन ही स्टडीड ऑल द सिचुएशन एंड ही अंडरस्टूड कि उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स ने जो गलतियां की है, मैं अगर उसको सुधार पाया तो शायद मिलिट्री को एक होप रहेगा कि अभी भी जस्टिस उनके लिए है. और APJ अब्दुल कलाम जी ने 2002 में उनका जो पेंशन वहाँ पे रुक गया था 1973 के बाद में, वो उन्होंने फिर से शुरू किया. और 2008 में जब भी वो अपने डेथ बेड पे थे तभी मिनिस्ट्री से एक लास्ट चेक आया था उनका फुल एंड फाइनल पेमेंट का, और वो चेक था 1 करोड़ का. अभी जो इंसान ऑलरेडी अपने डेथ बेड पे है वो इतना कैजुअली कैसे ले सकता है उसके डेथ को, मुझे अभी तक नहीं पता. बट he just took his check, he saw at the person who came to him with his check and questioned him ki ye 1 crore ka check shayad bounce nahi ho jayega. He was the first person to get a huge amount as his pension in just one check. Aap samajh sakte ho wo level ka respect us insaan ko hai in our country. Ek question hai aapse, मैंने ये तो बता दिया कि 2008 में उनका निधन हुआ था. आई वॉन्ट टू नो कितने लोगों को ये पता है कि उनके डेथ का डेट क्या है. वॉट इज़ द डेथ डेट ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसके नाम का शाउट आउट दूंगा. और जब भी लॉकडाउन खुलेगा आई एम गोइंग टू गिव हिम और हर ए स्मॉल ट्रीट from my side. So ये कुछ थी कहानी अबाउट सैम बहादुर या
फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ। आँखों में तू, सांसों में है तू मेरी, मंजिल है तू, कैसे भूलूँ यादें तेरी। तू पास रह कर भी है मुझसे दूर, सह लेंगे हम सारे सितम, भूलेगा मन तुझे ना सनम। ख्वाबों में तू, ऐसी वफा है तेरी।